नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेट्स में। और आज हम आए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में। आज भगत सिंह का 113वां बर्थडे सीपीआई कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है। आज हम इनसे करेंगे कुछ खास बातचीत। मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि वो सितारा जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने को कुर्बान किया, तो पूरा देश आज़ादी की लड़ाई में अग्रसर हो। ऐसे लोगों जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने को फिदा किया, उसको हम और आज भगत सिंह के जन्मदिन पर हम लोग इकट्ठे हुए। लेकिन जिस भगत सिंह का नाम लेने से नौजवानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज क्या हुआ, आज क्या हालात है हमारे, इस व्यवस्था ने हमको कहाँ पहुंचा दिया। अगर हम खुद ही अपनी आज़ादी के लिए और अपने हकों और हकूकों के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, तो कोई आपको थाली में रख कर कुछ देने वाला नहीं। मैं देख रहा हूँ हमारी बहनें हमारी बेटियाँ हैं ज़्यादा संख्या में। ये कहता है सार कि शहीदों की कब्र पर न जला एक भी दिया, जिनके खून से जला था चिरागे वतन। और क्या हो रहा, उसके बदले में जगमगा रहे हैं मकबरे आज भी उनके जो बेचा करते थे शहीदों का कफन। आज सत्ता में बैठे हुए लोग कौन हैं, कौन लोग हैं? बड़े से बड़े नेता हमारे इन क्रांतिकारियों के संघर्ष को पंचर करने की कोशिश की, लेकिन आज़ादी तो आज़ादी है। आज़ादी तो एक पक्षी को भी चाहिए, किसी भी जानवर को, एक पिंजरे में बंद हुआ तोता भी, वो भी आज़ादी चाहता है, और आज़ादी पिंजरे से बाहर निकलते ही वो फड़फड़ा के उड़ के निकलता है। अगर हम आज़ाद होंगे तो हम कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन स्थिति नहीं समझ पा रहे हम लोग। आज आज़ादी पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है। जो इनके खिलाफ बोलेगा, सत्ता के खिलाफ बोलेगा, इनकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा, वो देशद्रोही है। देश प्रेमी कौन है जो अडानी की प्रशंसा करेगा, वो उसकी प्रशंसा होगी। आप लोगों को जानकर ये समझना होगा कि अभी अडानी अंबानी को कितने करोड़ रुपए उन्होंने दिया है कि आप जो है हालात आपकी ख़राब है, आप सुधार लो। लेकिन इस मजदूर वर्ग को, इस किसान वर्ग को कितना दिया। लॉकडाउन हुआ, लोग देखे सड़कों पे जा रहे थे, पैर में छाले पड़ गए, कुछ लोग रास्ते में मर गए, लेकिन ये सरकार उसके बारे में तो कुछ नहीं होती। क्यों, मजदूर है ना। इसलिए निश्चित है बहनों भाइयों नौजवानों, आप अपने को समझो, खुद ही को कर बुलंदी देना, किस धार के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। जब हमारी एकता होगी, हम एक होंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर इनके अंदूक बंदूक सब नीचे होंगे। आज 28 सितंबर है और हमने भगत सिंह का 113वां जन्मदिन मनाया यहाँ पे, और भगत सिंह हमेशा प्रासंगिक रहे हैं और आज की तारीख में और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, जब हिंदुस्तान के किसानों पर मजदूरों पर मोदी सरकार एनडीए सरकार सीधा हमला कर रही है। अभी आपने इस मानसून सत्र में देखा कि किस तरह से मोदी सरकार ने आनन फानन में जो फार्मर बिलों को पास कराया और लेबर कोड जो बनाए हैं उनको पास कराया। पहले जो लेबर कोड बनाए थे 44 कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड थे, उस पर हमारी ट्रेड यूनियन की भी राय मांगी गई थी, हमने कुछ लिख के भी दिया था, सजेशन उनको दिए थे, फिर उनको वापस ले लिया।
और जब ये मानसून सेशन शुरू हुआ अचानक वो तीनों बिल ले आए, उन्होंने सीधा सीधा पार्लियामेंट के अंदर रख दिया। अभी आपने देखा कि जिस तरह से फार्मर बिल सरकार लाई और उस पर जो मत विभाजन होना चाहिए, जो राज्यसभा में सांसदों को बोलना था उसके बारे में अपनी राय देनी थी, जिन्होंने बोलने की कोशिश की उन 8 सांसदों को स्पीकर ने जो है, जो डिप्टी चेयरमैन है उसने सस्पेंड कर दिया और वो सेशन ही 23 सितंबर को ख़त्म हो गया। उनका सस्पेंशन 23 सितंबर तक ही रहा, वो कुछ कह भी नहीं पाए। मेरी एक बात है आपसे, जो आप बोल रहे हैं कि जो फार्मर्स का जो बिल है, कि आपके अकॉर्डिंग ये बिल ठीक नहीं है, ये जो सरकार ने जो 3 बिल दिए हैं ये ठीक है या नहीं है? ये घोर किसान विरोधी है, किसान को बंधुआ मजदूर बनाने वाले बिल है, किसान की जमीन को बेदखल, किसान की जमीन से उसको बेदखल करने वाले ये बिल हैं। सरकार ये चाहती है कि इन जमीनों का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाए और बाद में हिंदुस्तान के जो बड़े पूंजीपति हैं उस पूंजीपति को जमीन को हम बेच दें। किसान को बेजमीन करने का उनका पूरा इरादा है। तो आप कहना चाहते हैं कि ये जो 3 बिल जो सरकार ने पास करे हैं, इससे किसानों की जो जमीन है वो छिन जाएगी? इन बिलों से जब किसानों की जमीन है, आप जो है इसको जो पूरा बाजारवाद बना दोगे। जैसे हमारा जो पुराने हमारे जो पुरखों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जो हमारे देश के अंदर कानून है, मंडी का कानून है, कि जो कृषि उत्पाद बाजार कमेटियाँ होती थी, जो मंडियाँ होती थी, पहले क्या था कि किसान की जो फसल थी वो बाजार में पहुँचने पर 60% ही उसका जो मूल्य था वो मिल पाता था। जब 1938 में ये कानून बना मंडी कमेटियों का और मंडी कमेटियाँ अस्तित्व में आईं, तो जितने वो जो बिचौलिए थे वो एक तरफ हो गए और जो किसानों की फसल का शोषण करने वाले थे उनको हटा दिया गया। किसान का वाजिब मूल्य तय मंडियों में होने लगा। आज की तारीख में उसका उलट होने जा रहा है। किसानों को बहुत घाटा है। ये मोदी जी ने देश के पूंजीपतियों के अडानी अंबानी के लिए कराया है कि किसानों को औने पौने जमा, जो पहले जमाना था वो खूदखोर थे लोग, गिरवी कर लेते जमीन बटाई पर और लिख लेते थे हम 30 साल जब तक पैसा नहीं दोगे जब तुम्हारी जमीन छोड़, वही आदत है। जो मंडी थी, मंडी को प्रोत्साहन दिया सर छोटू राम ने, ये मंडी की व्यवस्था सर छोटू राम ने 36 में की थी, उन्होंने मंडी व्यवस्था लाई थी। आज मंडी बढ़ रही थी, किसानों को मिल रहा था। स्वामीनाथन का मुकेश ने बताया, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट है कि किसान कुछ नहीं मिलता है, जो स्वयं फ्री मजदूर करता हो लगा रहता है उसकी मजदूरी जोड़ी नहीं जाती है, जो लेबर से काम कराता है उसकी लागत, यदि कहा जाए घाटे का सौदा है। खेती का जो नेता लोग मिनिस्टर बैठे झूठ बौलते हैं, वो खेती बड़ी महंगी सौदा है, कोई खेती करना चाहता नहीं, कोई फायदा नहीं, घाटे का सौदा, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं, धंधा नहीं, क्या करें, उनके पास खेती है इसलिए रोजगार करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन आज जो अधिकार थे, 1925 था गेहूं का मूल्य, चावल का मूल्य, सरकार दो ही खरीदती है, चना का रखिंग क्या मॉन्सरेट कर दिया है, कोई नहीं लेता है, 3500-3300-3400 मिलता है। पर किसान जो हड़प लिया वो देखो ये नुकसान है कि वो स्वामित्व, जो किसान अपना स्वामित्व था वो स्वामित्व नहीं रहेगा। वो कहेंगे सब्जी बोना है, वो कहेंगे टमाटर बोइए, टमाटर बो दिया, पैसा लगा देंगे, लोन भी दे देंगे, लेकिन जब उसको बारिश हो गई वो सड़ गई, उसका पैसा कौन देगा? आप बतलाएं, उसने अडानी ने कह दिया 10 एकड़ में आप गन्ना लगाओ, आप 5 एकड़ में आप टमाटर लगाओ, टमाटर किसान लगा ले, पैसा भी दे दिया, माल या कर्जा दे दिया, लेकिन जो फसल मारी गई उस चीज में जो 15,000 उसका लगा है, व्यापारी तो कहे हमारा पैसा लाओ टमाटर दो तब पैसा देंगे, टमाटर बर्बाद होगा उसकी पैसा उसकी गारंटी कौन लेगा? या सरकार लेके पूंजी बदले बता दें। हमारा यही कहना है कि सरकार से कि जो प्राइस तय करती सरकार उससे कम कोई भी व्यापारी खरीदे ना।